गाइस 15 डेज मात्र 15 दिन मेरी बताई हुई ये आसान सी एक्सरसाइजेस फॉलो कर लीजिए, आपकी थाइस आपके बट्स बहुत अच्छी शेप में आ जाएंगे। स्पेशली जो हमारा थाई और हिप बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, कोई कपड़े हम पे सूट नहीं करते। और मोटापा एक ऐसी चीज़ है ना जिससे हम एज में भी ज़्यादा लगने लगते हैं, लेकिन वहीं अगर हम पतले होते हैं, टोन्ड होते हैं, तो डेफिनेटली हमारी एज का पता नहीं चलता। तो बहुत ईजी है, बिल्कुल मत घबराइए। थाई वर्कआउट सुनते ही हम बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, क्या आज लेग डे है ना? ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा जब आप इसको करेंगे। रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा, आसान बहुत है, इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। शुरू करते हैं। गाइस, तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल अपने पैरों को इस तरीके से रखना है, ठीक है? ओपन करना है, लेकिन बिल्कुल ये वाला शेप होना चाहिए, स्लाइटली भी आपके टोज फ्रंट में नहीं होने चाहिए। ये बहुत अच्छा है आपके थाई मसल को टोन करने के लिए, ठीक है? स्लाइटली आप अनबैलेंस हो सकते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली परफेक्ट हो जाएंगे। बेंड होना है, देन अप। ये ट्रस्ट मी, आपके जितना भी इनर थाई का फैट है, आपकी थाइस बहुत ज़्यादा बहुत हेवी हैं, बहुत बल्की हैं, इतना अच्छे से उनको टोन करेगा, इतनी परफेक्ट शेप देगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा। आपने इसको करना है 20 टाइम्स, 10 सेकंड्स का रेस्ट लेना है, देन इसके करने हैं आपने 3 सेट। पहले हम इसको विदाउट वेट करेंगे, देन उसके बाद हम वेट के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। अप आ रहे हैं ब्रीथ इन, डाउन जा रहे हैं ब्रीथ आउट। रिलैक्स। यहां पर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आइए अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, इसको हम करेंगे वेट के साथ। वेट के साथ करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, इससे आपका जो फैट लॉस बहुत जल्दी होता है और मसल टोन बहुत अच्छे से होता है। तो उसके लिए आप इस तरह के डंबल्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है यार, ठीक है? ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं और लाइफ लॉन्ग चलेंगे, ठीक है? और कंफर्टेबल भी होते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी जगह वाटर बॉटल लेंगे तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वही सुमो स्क्वाट्स, ठीक है? जो सुमोज होते हैं आपने उनकी फाइट देखी होगी, वो भी इस तरीके से फाइट करते हैं, बहुत इफेक्टिव होती है ये, इसलिए इसका नाम सुमो स्क्वाट्स होता है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, वेट ले लेंगे इस तरीके से और डाउन जाएंगे। बैक आपका स्ट्रेट रहेगा, वही ब्रीथ आउट ब्रीथ इन, टमी टक रहेगा, 20 टाइम्स 3 सेट्स। रिलैक्स। यहां पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, इसके लिए आपको 2 डंबल्स की रिक्वायरमेंट है। अब हम क्या करेंगे, अपना बैक हिप को पीछे की तरफ रखेंगे और जब डाउन जाएंगे आपका अपर बॉडी मूव होगा और धीरे धीरे इस तरीके से डाउन जाएगा, आपका हिप पूरा बैक साइड पे जाएगा, आपके शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे, खिंचे हुए रहेंगे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपके ग्लूट को टारगेट करती है, ठीक है? यानी आपके हिप पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसको खत्म करती है, आपके बेसिकली लोअर बॉडी को बहुत अच्छा कर देगी, ठीक है? काफ अच्छे हो जाएंगे इससे, आपके हैमस्ट्रिंग अच्छे हो जाएंगे, सब बहुत बेटर हो जाएगा। 20 टाइम्स और 3 सेट्स। रिलैक्स। यहां पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है? इसके लिए हमें करना है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में हम वेट के साथ करेंगे अगेन, ठीक है? तो शोल्डर जितना गैप मेंटेन करना है आपने अपने फीट के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं। मेक श्योर कि आपके जो नीज हैं वो आपके टो से आगे नहीं जाएंगे, पीछे की तरफ रहेंगे। हिप आपने बिल्कुल बैक साइड पे करके रखना है, ठीक है? और आपने अपने पैरों के बेस पे अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है। बहुत सारे लोग कमर के बेस पे अपनी बॉडी को उठाते हैं जिससे उनके बैक में इंजरी हो जाता है, ठीक है? अब हमने क्या करना है, यहाँ से
इस तरीके से डंबल को होल्ड करना है, देन डाउन अप डाउन अप, ब्रीथ आउट, ऊपर जाते टाइम यू जाते ब्रीथ इन 20 टाइम्स 3 सेट्स। तो यहां पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको चेयर ले लेना है, ठीक है, देन उसके सपोर्ट इस तरीके से हैंड्स को वहां पे सपोर्ट देना है। स्लाइटली से आपको चेयर से अपने फीट का डिस्टेंस जितना मेंटेन करना है, बेंड करना है अपनी बॉडी को, नीज आपके स्लाइटली बेंड होंगे, हिप आपका बैक साइड जाएगा, कमर आपका इस तरीके से अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा। देन उसके बाद में आपने वन लेग को इस तरीके से ऊपर लिफ्ट करना है, देन स्लो मोशन में बैक, और आपका टो मैट से टच नहीं होगा। 20 टाइम्स 3 सेट। अदर साइड पे सेम, ऊपर जा रहे हैं ब्रीथ आउट, नीचे जा रहे हैं ब्रीथ इन। रिलैक्स। तो यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइस कैसे लगा आपको मेरा ये प्यारा सा वर्कआउट? आई होप बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी, प्लीज अपनी डाइट पे कंट्रोल करें। डाइट का मतलब, बहुत सारे लोगों में ये मिथ होता है कि पूरा दिन भूखे रहना, बिल्कुल गलत, बल्कि आपको हेल्दी डाइट इनटेक करना है, और जो भी आप पूरा दिन खा रहे हैं ना, बस उसको अच्छे से चबा चबा कर खाना है। जितना आप च्यूई करते हैं खाने को, उतना ही वो आपको ईजिली पच जाता है, सड़ता नहीं है, और अच्छे से डाइजेस्ट होके उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं आपकी बॉडी को मिल पाते हैं, ठीक है। ऐसी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।